यूपी की राजनीति में अपनी अलग हनक रखने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की हमेशा की तरह इस बार भी बुरे फंस गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें झटका उनके सुपुत्र की वजह से लगा है, क्योंकि उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को दो जन प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे परिवार को दोषी करार करते हुए 7-7 साल की सजा मुकर्रर कर दी और तो और 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया। 70 दस्तावेज, 15 गवाह बने सजा का आधार। सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा की सजा तमाम दस्तावेजी सबूतों और गवाहों के आधार पर हुई है। कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष की तरफ से 15 गवाह और 70 दस्तावेजी साक्षी रखे गए और यही सबूत आजम परिवार की सजा का आधार बने, जबकि बचाव पक्ष ने सिर्फ 19 गवाह पेश किए। लेकिन उनके ये गवाह रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के जजों के सामने कानून के तराजू पर खड़े नहीं उतर सके, यानी कि सिद्ध नहीं हो सके। दस्तावेजों और गवाहों को आधार बनाते हुए आजम परिवार को जिन धाराओं में जितनी सजा कोर्ट से मिली, अब उन्हें समझिए किस धारा में हुई कितनी सजा। आईपीसी की धारा 420, 3 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। आईपीसी की धारा 467, 7 साल की सजा, 15,000 रुपए जुर्माना। आईपीसी की धारा 468, 3 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। आईपीसी की धारा 471, 2 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। आईपीसी की धारा 120B, 1 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना। क्या था पूरा मामला? बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान के पूर्व बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। मामला रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा था और बुधवार को इस मामले की सुनवाई थी। बता दें कि जन्मतिथि के चक्कर में एक बार अब्दुल्ला आजम अपनी विधायकी भी गवा चुके हैं। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी जन्मतिथि का ब्यौरा दिया था, जिसके बाद उनके प्रतिद्वंदी रहे नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां हाई कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से कम थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया था। पहले और आज का घटनाक्रम देखें तो इस लिहाज से आजम खान का राजनीतिक करियर जेल की सलाखों में सिमट कर रह गया है। ऐसे में उनके राजनीतिक सफर के अंत की सुगबुगाहट शुरू होने लगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।